नवाबों का नवाबी शहर, लखनवी अंदाज की नजाकत, तहजीब की मुकम्मल तस्वीर, स्मारक से लेकर खंडहर तक। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, अतुल्य भारत लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ सबीना तामंगदेश में। आज हम हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े राज्य में मौजूद हैं जहाँ से देश की सियासत तय होती है, लेकिन आज हम आपको लखनऊ की वो तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप यकीनन कहेंगे कि शहर हो तो ऐसा हो। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। ये शब्द यूं ही नहीं कहा जाता। सफर को मुकम्मल बनाते हुए जब हमने कदम लखनऊ में रखा तो एहसास हुआ कि वाकई कितना नायाब है नवाबों का शहर लखनऊ। हमारी खामोश निगाहों ने जब नजर दौड़ाई तो महसूस हुआ कि यहाँ तो हवाओं के रुख में भी एक नवाबी लहजा है। अनजाने चेहरों को पढ़ने की कोशिश की तो लगा लखनऊ भले ही तेजी से बदल रहा हो, लेकिन नवाबी रौब की भी अपनी ही एक अलग जगह है। हालांकि इस रौब में तहजीब की तस्वीर साफ दिखाई दी। जब अतुल्य भारत के जरिए आप लखनऊ को गहराई से जानेंगे तो इस लखनवी अंदाज के इस्तकबाल को आप सराखों पर रख लेंगे। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना कुछ समाया है जिसे चंद शब्दों में बयां किया तो नाइंसाफी होगी, पर राजधानी लखनऊ भी कम नजाकत लिए नहीं। वो सन है जिसने कि लखनऊ को, अवध को, लखनऊ को लखनऊ बनने की पहचान देनी शुरू कर दी। ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर शानदार बाजार की जानदार रौनक आपको कहीं और कदम ही नहीं रखने देगी। यहाँ जिंदगी पर तहजीब की तस्वीर दिखाई देती है। इन नवाबी रिवाजों ने हमें भी खुद को नवाब महसूस करने पर मजबूर कर दिया। अल्फाज के समंदर में दीदार की तलब, निगाहें बेताब लफ्ज जस्तजू में उलझे, रुख जहां करेंगे सब मिलेगा बेरुखी के सिवाय। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हां, आज अतुल्य भारत के जरिए हम लखनऊ की जिंदगी को जीने जा रहे हैं, यहां की आबो हवा को महसूस करने जा रहे हैं। शुरुआत लखनऊ में मौजूद बड़ा इमामबाड़ा के साथ करेंगे, जिसकी कहानी जानकर, जिसकी दास्तां में डूबकर आप खुद पर गर्व महसूस करने लगेंगे। ...1774 में बना बड़ा इमामबाड़ा, इसे एक महज स्मारक के तौर पर देखना गलत होगा। ये न सिर्फ लखनऊ के सबसे मशहूर स्मारकों में शामिल है बल्कि दुनिया भर में इसकी मौजूदगी का डंका बजता है। अगर लखनऊ का कोई सिग्नेचर बिल्डिंग है, जैसे कि कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, उसी ढंग से कि वो हावड़ा ब्रिज दिखा दीजिए तो आपको कलकत्ता आदमी समझ में आता है, कोलकाता आजकल कहते हैं आप लोग इसको, तो इसी ढंग से ये है। आप ये केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, इंडियन कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इमामबाड़ा है शिया सेक्ट का। अवध के चौथे नवाब असदुद्दौला ने इसे कैसे अंदाज में बनवाया कि अंदर समाया 50 मीटर लंबा और 15 मीटर की ऊंचाई वाले धनुष के आकार का हॉल दुनिया के सबसे बड़े धनुषाकार में बने हॉल में शामिल हो गया। ऐतिहासिक स्मारकों किलों का दीदार करते हुए अमूमन दिमाग में यही आता है कि अपने ऐशो आराम के लिए नवाबों ने इन्हें बनवाया होगा, लेकिन बड़ा इमामबाड़ा इंसानियत की मिसाल कायम करता है। कुछ कहानियां सिर का ताज बन जाती हैं, उन कहानियों को जानकर, उस हकीकत को पहचानकर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और हकीकत के हम बेहद करीब आ जाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो यहाँ की ईंटों में कुछ अलग ही बात है। यहाँ की ईंटों की दास्तां उस हकीकत को बयां करती है जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे नवाबी शहर की खासियत वाकई कुछ और है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसे क्यों बनवाया गया था, ऐसा कौन सा मकसद था जिसके बाद बड़ा इमामबाड़ा की ये रचना की गई। जब भी इसे आंखों में कैद करें तो ये याद जरूर रखें कि इसे बनाने के पीछे का मकसद 1784 के अकाल में उन पीड़ितों को राहत पहुंचाना था जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्हीं की मदद के लिए ये कायम हुआ।
ईंटों की गजब इंटरलॉकिंग, कंक्रीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं, किसी भी सहारे के बिना छत का आज भी बरकरार रहना बड़ा इमामबाड़ा की एक सबसे बड़ी पहचान है। पूरे इमामबाड़े में इतना बड़ा बना हुआ है जिसकी छत जो है, छत अपने टाइम की लदान की छत कहते हैं, इतनी बड़ी छत पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी उस वक्त। और आप उस समय के आर्किटेक्ट्स लोगों की आप तारीफ करिए, उसका इसका जो इसका कि इसके अंदर एक भी मेटल यूज नहीं हुआ कहीं पर भी, आप सोचिए जरा सा। ऐतिहासिक इमारतों की फहरिस्त में लखनऊ का भूल भुलैया हर किसी को अपनी ओर खींचता है। भूल भुलैया जिसे लेकर तमाम कहानियां मौजूद है, जिसके तह तक हमने भी जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या कुछ इसमें मौजूद है। लेकिन हमारा मकसद उन रहस्यों को आपके सामने रखना नहीं है, बल्कि अतुल्य भारत के जरिए इन तमाम दिलचस्प तस्वीरों को आप तक पहुंचाना है, ताकि आप ये समझ सके कि हिंदुस्तान की गोद में कितना कुछ आलीशान तरीके से समाया हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ भूल भुलैये के अंदर मौजूद है। बस हमारे साथ इस सफर पर लगातार बने रहिएगा। करीब 1000 से ज्यादा मौजूद गलियारे आपको भ्रम की दुनिया में ले जाते हैं। हमने भी महसूस किया एक ऐसा मकड़जाल जिसमें खोकर खुद को पाना हमें इसके और करीब ले जा रहा था। इन दीवारों की नवाबियत महज रहस्यों के लिहाज से खास नहीं, हाँ इतना जरूर है कि इस भूल भुलैया की जमीन पर कदम रखते ही उस रहस्यमय दुनिया का एहसास होता है जो समझ से परे नजर आती है, लेकिन निगाहें मानो दीवार के उसके होने की वजह मांगती है। भूल भुलैया को लेकर तमाम तरह के रहस्य क्यों ना बरकरार हो, लेकिन इस बीच अतुल्य भारत के जरिए आप ये जान लीजिए कि इसे अकाल पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया था। ना ही इसे मस्जिद और ना ही मकबरे में गिना जाता है, पर यह तय है कि यहाँ कदम रखते ही एक गुम हुई दुनिया आंखों के सामने तैरने लगेगी। वक्त का यूं गुजरना जरा खरता है, लेकिन सफर के लिए मंजिल तक पहुंचना सुकून देता है। कहते हैं वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं थमता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अतुल्य भारत के इस सफर में हमारा भी वक्त थम नहीं रहा है और हम लगातार इस सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हम लखनऊ में एक ऐसी जगह पहुंच गए जो ये बताता है कि वक्त का पहिया क्या संदेश देता है। वो ये बताता है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो वक्त के लिहाज से चलता है वो वाकई जिंदगी को पार पा जाता है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे देखकर आप ये कहेंगे कि वाकई वक्त कुछ इस तरह से हो तो खुद पर नाज करने की वजह दे देता है। हमने लखनऊ की राह को बेहद बारीकी से देखा, हमारी नजरों ने बहुत कुछ पाया, कभी कदम लड़खड़ाए तो कभी संभले, कभी सामना घोर अंधेरे से हुआ तो कभी अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़े, और फिर नजरें टिकी रफ्तार भरी जिंदगी के बीच मौजूद लखनऊ की शान में चार चांद लगाते हुसैनाबाद घंटा घर पर। ये महज क्लॉक टावर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची इमारतों की फहरिस्त में शुमार है। यूं लगता है मानो ये क्लॉक टावर खुद वक्त को जी रहा हो, या फिर अपनी आंखों से बीतते वक्त का गवाह बन रहा हो। 221 फीट की ऊंचाई वाले लखनऊ के क्लॉक टावर की ऊंचाई तो मशहूर है ही, लेकिन इसके साथ ही जो शानदार कला इस क्लॉक टावर पर दिखाई देती है वो भी दिल को जीतने के लिए काफी है। 1887 में इस क्लॉक टावर को नवाब नसीरुद्दीन ने अवध के पहले संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज के स्वागत में बनवाया था। हालांकि इस काम को उस वक्त बीच में ही रोकना पड़ा जब उनकी मौत हो गई। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त क्लॉक टावर को बनाने में 1,00,000 से ज्यादा रुपए लगे। घंटाघर की इन सुइयों को भी देखिए, ये भी कम नवाबी नहीं, इन्हें लंदन के लुई गेट हिल से लाई गई बंदूक धातु से बनाया गया। 14 फीट लंबा और 1.5 इंच मोटाई लिए पेंडुलम को देखकर यूं लगेगा मानो वक्त का पहिया कभी ना थमने की सीख दे रहा हो। जवाब अगर लाजवाब हो तो कहिए लखनऊ, सफर अगर नायाब हो तो कहिए लखनऊ। खुद पर नाज करने का मन करे या जरा नवाबी रौब दिखाने का मन करे,
तो आ जाइए लखनऊ। जी हाँ, और अगर बहुत ज्यादा मुस्कुराने का मन करे तो भी आप लखनऊ जरूर आइएगा। इस सफर को अतुल्य भारत के जरिए यूं ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि अभी लखनऊ का ये शहर यूं ही आप देखते रहें। अगर आप भी लखनऊ को दिल से हमारी तरह जिएंगे तो लखनवी शानो शौकत की छाप साफ दिखाई देगी। हाँ, बदलते वक्त के साथ भले ही लखनऊ की तस्वीर बदल रही हो, लेकिन कुछ तस्वीर कभी नहीं बदलती, जिन्हें कायदे से बदलना भी नहीं चाहिए। यह मौजूद रूमी दरवाजा, ये दरवाजा 1784 ईस्वी में अकाल के दौरान इसलिए बनवाया गया ताकि बेसहारा और बेबस जिंदगियों को रोजगार नसीब हो सके। 60 फीट ऊंचा रूमी दरवाजा उन ऐतिहासिक इमारतों में शुमार है जो अवध वास्तुकला की बेहद खूबसूरत मिसाल है। यहां से गुजरकर कभी देखिएगा, यकीनन खुद के लखनऊ में होने पर नाज होगा। रूमी गेट के उधर देखिए, आपके कमल की पत्ती के जैसे भी उसके अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। आप पास से जाके देखें तो इसके अंदर ये इसके अंदर हल्का सा आपको जो राजपूताना स्टाइल है उसका भी अगर गौर से देखें तो आपको इसमें झलक मिलेगी। तो ये दिस इज इंडो इस्लामिक द रेयर ब्लेंड, और यू कैन कॉल इट, इट इज द बेस्ट ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। रूमी दरवाजे की शानदार दस्तक कला में सिमटी वो नजाकत लखनऊ में आते ही मुस्कुराने की वजह देती है। कोई शक नहीं, लखनऊ में मौजूद स्मारक, किले और खंडहर गौरवशाली अतीत को आंखों के सामने दोबारा जिंदा करने के लिए काफी हैं। इन नदियों की भी अपनी अलग ही कहानी है। ये बस बहती हैं तो बहती चली जाती हैं। गोमती नदी 900 मीटर लंबी है और इसके पास बसा लखनऊ शहर अपने आप में नवाबी है। लेकिन गोमती नदी की कहानी भी लखनऊ से कुछ इस तरह से जुड़ी है कि अगर लखनऊ शहर को जानना है तो गोमती नदी को जानना भी बेहद जरूरी है। गोमती नदी के तट पर बसी नवाबों की नगरी लखनऊ की राह पर तो हम निकल पड़े, लेकिन जान लेना जरूरी है कि गोमती नदी खुद अतुल्य भारत का वो हिस्सा है जिसे दिखाए बिना लखनऊ की नवाबी कहानी अधूरी है। इससे ज्यादा खासियत की लकीरें और क्या होंगी कि गोमती नदी को लखनऊ की लाइफलाइन कहा जाता है। कई जिलों से बहते हुए ये नदी गाजीपुर के पास गंगा में समा जाती है। करीब 900 मीटर लंबी गोमती नदी का मिलाप जब गंगा में होता है तो मानो दो संस्कृतियां हिलोरे मारने लगती हैं। हम भी बहती नदी की तरह अपने सफर पर आगे बढ़ते चले गए, सुलझी अनसुलझी कहानियों से सामना होता चला गया। बड़े ही अदब से ये शहर आपका इस्तकबाल करेगा कि आप भी कहेंगे शहर हो तो बिल्कुल लखनऊ जैसा। मस्जिद, जहां खुदा की इबादत की जाती है, जहां जियारत की सबसे खूबसूरत शक्ल नजर आती है। कोई दो राय नहीं कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के नक्शे में एक नायाब तस्वीर दिखाई देती है। हिंदुस्तान में जितना खास दर्जा मंदिरों की चौखट को दिया जाता है, उतना ही सम्मान यहां मस्जिद को भी दिया जाता है। तभी तो देश भर में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, जिनमें लखनऊ में मौजूद जामा मस्जिद भी बेहद खास है। लखनऊ में मौजूद जामा मस्जिद, इसे एक नहीं कई नजरिए से देखना जरूरी है। ये लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है। जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को जब आप गौर से देखेंगे, यकीन मानिए आपकी निगाहें उन्हीं में समा जाएंगी। जिस बारीकी और खूबसूरती से कला को एक शक्ल में ढाला गया वो काबिले तारीफ है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। इसका जो जब निर्माण हो रहा था तो मोहम्मद अली शाह जो थे इसकी कॉपी करना चाहते थे जामा मस्जिद दिल्ली की, एंड ही वॉन्टेड टू मेक इट वन ऑफ द ग्रैंड मॉस्क ऑफ दिस साइड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट
जामा मस्जिद, और इतने इन्होंने हाई लेवल पे शुरू किया था। लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद के पीछे एक नारी शक्ति की भी कहानी है। दरअसल मोहम्मद शाह मस्जिद का वजूद कायम करने की राह पर आगे बढ़े तो सही, लेकिन बीच में ही उनकी जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। ये मोहम्मद शाह की पत्नी ही थी जिन्होंने हालातों का सामना करते हुए जामा मस्जिद के वजूद को हकीकत की पूरी शक्ल दी और ये साबित कर दिया कि देश की आधी आबादी की ताकत भी अतुल्य भारत का वो हिस्सा है जिसके बिना हिंदुस्तान अधूरा है। सफर के दौरान महसूस हुआ कि कहीं सुकून से जिंदगी को महसूस किया जाए, बस राह मिलती गई और हम पहुंच गए गौतम बुद्ध पार्क में। महात्मा गौतम बुद्ध, उनके नाम भर से ही जहन में शांति और सुकून का एहसास होने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि अतुल्य भारत में लखनऊ के सफर में आखिर हम गौतम बुद्ध का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में बिताया और कहा जाता है कि लखनऊ को पहले नखलऊ कहा जाता था, जो गौतम बुद्ध के नाखून से ही पैदा हुआ शब्द है। लखनऊ को नवाबों का शहर ही नहीं बल्कि बागों का शहर भी कहते हैं। इस तस्वीर को देखकर ये नाम लखनऊ पर खूब फबता भी है। साल 1980 में बने करीब 10 एकड़ में फैले इस बाग में वक्त बिताने के लिए लोगों की बेताबी नजर आती है। अपनी अलग ही गरिमा लिए हुए गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ की बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। यकीनन दौड़ती भागती दुनिया के बीच होने के बावजूद दिलो दिमाग को सुकून भी मिलेगा। अतुल्य भारत में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी दिलचस्पी भी बढ़ती गई और यकीनन हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में शायद किसी को नहीं मालूम। हाँ, आंखों के सामने वो तस्वीर जरूर आ जाती होगी, लेकिन गहराई से उसे जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है कि इस सफर पर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ताकि लखनऊ की आबो हवा के साथ साथ आप ये जान सके कि यहाँ मौजूद वो तमाम चीजें कितनी खास हो जाती हैं जिनके पीछे एक बड़ा इतिहास छिपा है। लखनऊ के हर कोने में आपको इतिहास का आईना नजर आएगा, लेकिन इस बीच जिसे अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है उसे हमारी नजरों ने देखना जरूरी समझा। इसके पीछे की हकीकत हम बयां करें, जरूरी है इतिहास के जानकार से ही पन्नों में छिपी इस हकीकत को जान लेना। बाउंड्रीज है, यानी कि बाहरी आक्रमण से इसकी रक्षा का भार अगर होगा तो वो अंग्रेजों पे होगा। हिंदुस्तानियों को वो नवाबों को कुछ नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू था कि यहाँ पर एक सेना रहेगी अंग्रेजों की जिसका खर्चा पूरा का पूरा जो है वो नवाब देंगे। आप देखिए कितनी चालाकी, मतलब अंग्रेजों की चालाकी आप देखिए, कितने शातिर हुआ करते थे कि आपको मारने के लिए आप ही कह रहे हैं डंडा लाइए उसमें तेल पिलाते रहिए उसको साफ करते हैं कि इससे हम आपको पीटेंगे। तो उसी ढंग से उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना रखी और जिसका खर्चा ये था कि नवाब देंगे, पर नवाब के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज किंगडम। एंड दूसरा जो था इसके बाद में जो लॉट की बात आती है वो ये आती है कि उन्होंने कहा था कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, बल्कि डिसीजन लेने कहा था उन्होंने, आपको राज आपको शासन चलाने में मदद सहायता करने के लिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहेगा, रेजिडेंट, उसको कहते थे रेजिडेंट। वो रेजिडेंट उन्होंने ये फैजाबाद से शुरू हुआ था, उसके बाद में ये कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट होती है तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा इलाका ढूंढा जाता है जो कि ऊंचा हो थोड़ा सा, जहाँ से कि तो ये इलाका ढूंढा गया। तो ये जब इलाका ढूंढा गया तो यहाँ के ऊपर आसिफुद्दौला ने रेजिडेंसी बनाने की शुरुआत करी। इन ऐतिहासिक गलियों से निकलकर अगर आप स्वाद की दुनिया का रुख करेंगे तो यकीनन जिंदगी का असली मजा ले पाएंगे। नवाबी जायके की दुनिया आपको दीवाना बना देगी। हालांकि हमारे कदम उन इमारतों में दोबारा थम गए जहां से शुरुआत हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि लखनऊ का जहां वो मुकम्मल तस्वीर पेश करता है जिसे देखने के लिए निगाहें हर पल बेचैन रहती हैं। लखनऊ का दीदार दिलो दिमाग पर इस कदर काबिज हो जाता है कि निगाहें और कदम किसी तरफ जाते ही नहीं है। लखनऊ शहर ही कुछ ऐसा है, हालांकि हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना हो जहां परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों का अद्भुत और अनोखा संगम दिखाई ना देता हो।
लेकिन अतुल्य भारत के सफर को आज हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, क्योंकि आगे एक और शहर, एक और राज्य आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नमस्कार। اشهد ان لا